बैराज थाना क्षेत्र के नवाबगंज के विभिन्न गांवों से कांवड़ियों का जत्था कांवड़ समेत नवाबगंज के नेतृत्व में 57 माह का पहला पदयात्रा आज बड़े धूमधाम के साथ भारत नेपाल सीमा स्थित राप्ती नदी से पवित्र जल भरकर श्री मंगलीनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा समिति के अध्यक्ष पिंटू गुप्ता के नेतृत्व में हजारों की संख्या में शिव भक्त कांवड़ लेकर हर हर महादेव व बोल बम जय घोष के साथ अपने आराध्य देवों में देव हर हर महादेव को जलाभिषेक करने के लिए नंगे पैर चल दिए। कांवड़ यात्रा में बूढ़े बच्चे व महिलाएं भी भारी संख्या में दिखाई पड़ी। इस अवसर पर कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर थाना प्रभारी निरीक्षक शमशेर बहादुर सिंह भारी पुलिस बल के साथ पूरी तरह मुस्तैद रहे। हजारों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िया भारत नेपाल सीमा स्थित राप्ती नदी में स्नान किया। तत्पश्चात जल भरकर करीब 20 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए जमदान बैदौरा चौराहा होते हुए नीम निहारा चौराहा कस्बा नवाबगंज के रास्ते से गुजर कर श्री मंगलीनाथ धाम पहुंचे और अपने इष्ट देव हर हर महादेव जलाभिषेक कर अपनी मनोती की कामना की। इस मौके पर मंदिर प्रांगण में मेला का कार्यक्रम आयोजित हुआ। क्षेत्रीय शिव भक्तों के द्वारा जलापान भंडारा का आयोजन भी किया गया जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने जलपान किया और प्रसाद ग्रहण किया। कांवरियों द्वारा नवाबगंज श्री मंगलीनाथ धाम कांवरिया संघ द्वारा ये जलाभिषेक आज से 20 वर्ष पूर्व हम लोगों ने व्यवस्था शुरू की थी। हमारे कांवरिया संघ के सभी पदाधिकारी जो संस्थापक सदस्य हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं श्यामलाल गुप्ता राजकुमार गुप्ता उमेश गुप्ता विजय जायसवाल घनश्याम गुप्ता प्रमोद अंकित सब बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं जिन लोगों ने आज से 20 वर्ष पूर्व श्री राप्ती तट होलिया से जलाभिषेक आरम्भ किया था और भोलेनाथ की कृपा है इस बार हम लोग 20वां वर्ष अपना पूरा कर रहे हैं। कुछ तुष्टियाँ पिछले वर्ष हो गई थी किन्हीं कारणों से कुछ एक घटना घट गई थी जिसमें हमारे दो कांवरिया बंधु को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस बार उससे सचेत होकर कांवरिया संघ द्वारा एवं प्रशासन द्वारा उस व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया। इस बार व्यवस्था बहुत अच्छी है। प्रशासन ने हमारी मांग पे सुरक्षा व्यवस्था की क्या व्यवस्था बनाई गई है? सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक है, जगह जगह पे फोर्स तैनात की गई है। आदरणीय जैसा सीओ साहब ने हमसे कहा था कि हम जगह जगह पे आपके लिए फोर्स तैनात करेंगे, आपकी यात्रा में दो फोर्स की गाड़ियां बराबर साथ में स्कॉर्ट करती हुई चलेंगी।